Again, next C pattern in the form of C1y4 matrix. इस केस में अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने फाउंड हो रहे हैं, 4 कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो कितने, 7 रोज. अगर ऑर्डर की बात करें रो और कॉलम के फॉर्म में, मैक्सिमम रो कितने 7, मैक्सिमम कॉलम्स कितने इस केस में 4. फाइंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 7 × 4. 7 × 4 का मैंने मैट्रिक्स राइट डाउन किया, 7 रो 4 कॉलम्स फॉर कैलकुलेटिंग इफ कंडीशंस. फर्स्ट वन, आउटर लूप के रिस्पेक्ट में बात करें, आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, सेम एज प्रीवियस पैटर्न. प्रीवियस पैटर्न के केस में आउटर लूप 7 टाइम एग्जीक्यूट कराया था, इनर लूप 4 टाइम. प्लस सेम एक्सप्रेशन राइट डाउन किया था इस केस में एन के रिस्पेक्ट में. अगर एन का वैल्यू 4 है वो ऑटोमेटिकली इस प्लेस पर कंडीशन क्या बन जाए, 2 × n 4 2 × 4 मीन्स 8 माइनस 1 इज इक्वलेंट टू 7. आउटर लूप कितनी बार चलेगा एन के 4 वैल्यूज के लिए, 7 टाइम्स. इनर लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स. व्हाट इज द कंडीशन फॉर इफ, फॉर डिस्प्लेइंग स्पेसेस. इसके साथ स्पेस के लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगे, अगेन फॉर राइट अपर केस एंड राइट लोअर केस. टोटल कंडीशंस कितने रिक्वायर्ड है, 2 कंडीशंस. फर्स्ट केस में अगर बात करें, फर्स्ट केस में रिलेशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, डायरेक्टली आई लेस देन जे. मीन्स राइट हैंड केस में कंडीशन क्या है, आई लेस देन जे मीन्स 1 < 2 1 < 3 1 < 4 रिलेशन इज ट्रू. सेम है 2 < 3 2 < 4 3 < 4. लेकिन ये रिलेशन किसी अदर केस में सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं, बिकॉज रिमेनिंग केसेस में आई का वैल्यू या तो जैसे बड़ा फाउंड हो रहा है या फिर जे के इक्वलेंट है. इसे रिलेशन ओनली राइट हैंड पार्ट के लिए सेटिस्फाई हो, इसलिए फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई करें इस केस में, आई लेस देन जे. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर लोअर राइट हैंड सेशन. इस केस में कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द रिलेशन. मीन्स अगर इस केस में सभी केस में चेक करें आई का वैल्यू क्या, ग्रेटर देन जे. लेकिन आई ग्रेटर देन जे रिमेनिंग केसेस में भी सेटिस्फाई होने के चांसेस हैं. देन नेक्स्ट वन चेक क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ सम. अगर इस केस में आई और जे का सम कैलकुलेट किया जाए, आई प्लस जे, लोअर केस में सम कितना, फर्स्ट केस में सम कितना है 9, सेकंड केस में 6 + 3 ऑल्सो 9, सिक्स फर्स्ट केस में क्या है 9, 6 + 4 = 10, 7 + 4 = 11, next 1 6 + 3 = 9, next 1 7 + 3 = 10, 7 + 2 = 9. देन अगर इस पार्ट के लिए बात करें, 7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8. रिमेनिंग केसेस में एडिशन क्या है आई जे का, या तो 8 और 8 से छोटा. तो फाइनल इस केस में कंडीशन क्या बना सकते हैं, आई प्लस जे ग्रेटर देन 8. मीन्स फर्स्ट केस में क्या था 9 9 = 8 9 > 8 > 8. रिमेनिंग सारे वैल्यूज कैसे हैं, ग्रेटर देन 8. फाइनल इस केस में कंडीशन क्या लगाएंगे, और i + j > 8. लेकिन अगर सेम कंडीशन n के फॉर्म में अप्लाई करना था, n के फॉर्म में किस टाइप से अप्लाई करें, n का वैल्यू क्या है 4, और n वैल्यू 4 है तो 8 के प्लेसेस पर राइट डाउन क्या कर सकते हैं, 2 × n. फाइनली इस प्लेस पर कंडीशन क्या राइट डाउन करेंगे, डायनेमिकली 2 × n. क्लियर. इस गिवन केस के थ्रू एन के किसी भी वैल्यूज के लिए सेम पैटर्न और सेम शेप डिस्प्ले कराना पॉसिबल है.